हम कैसे बदले खुशियाँ और बजे मालर मदन के बदले सिकी गलियाँ आते आज सजे हम। अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव। दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब क्या करना चाहिए झारखंड को? युवाओं के विकास के लिए झारखंड सरकार वर्ष 2013 को युवा कौशल विकास वर्ष के रूप में मना भी रही है। हमारे साथ स्टेट के एक आइकन खड़े हैं, दीपक तिर्की। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि युवाओं के विकास के क्षेत्र में झारखंड को अब क्या करना चाहिए। जो प्रेरणा मिलती है वो दूसरे से देख के मिलती है। जिस तरह अभी बिहारी को ले लें, क्योंकि वहाँ पे अभी देखे पूरा मतलब हर चीज़ चेंज हो गया है, तो इसी तरह कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि हमारा जो पिछड़ा हुआ जो झारखंड है वो भी आगे आ सके। और इसमें बहुत ही लोगों का हाथ चाहिए, और इसमें सबसे पहला बात है वही यूनिटी। यूनिटी रहेगा तो सब कुछ होगा। आप हमें अपने विषय में बताएं कि एक बिल्कुल सामान्य माहौल, सामान्य घर परिवेश, लेकिन आप मुंबई में सितारों के बीच छा गए, झारखंड को आपने एक पहचान दी, यह सब कैसे कर सके? मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने जो सर सुजान पंडित जो सर है वो मुझे सिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सीखना। और जब मैंने फर्स्ट शो किया था जो था झनकार, उस समय मैं मुझे गाना भी शायद नहीं आता था, तो उस समय मुझे बहुत ही मतलब ऑकवर्ड फील होता था कि मैं कैसे गाता हूँ, क्या करता हूँ। तो फिर बचपन में पापा मुझे चढ़ाए स्टेज पे, तो मैं फर्स्ट टाइम चढ़ा तो जो पेपर जो था तो मैं उसको ढक के गाया था। तो ऐसे में मुझे बहुत डर लगता था एक्चुअली, जो भीड़ को देखते ही साथ मेरे क्या बोलते हैं पहले जो था थोड़ा सी डर की भावना थी, तो बस वहीं को लेकर मैं थोड़ा सोचता था कि कैसे गाऊंगा, कैसे करूंगा। तो फिर स्कूल में गया, तो स्कूल में फिर टीचर ने मुझे बताया कि जब रिज़ल्ट आया तो पापा को बताया गया कि मैं अच्छा गाता हूँ। तो फिर उसी को लेकर सर जो सुजान पंडित सर है उनके पास मुझे ले गए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैं वहाँ उनसे मिला। उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे अभी तक सिखाते आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमेशा वो सिखाते रहें इसी तरह। और इसी तरह मैं जब इतने छोटे से घर से बिलोंग करता हूँ, और मैं जो मतलब जो पहुँचा हूँ ये सबकी मेहनत है। और यहाँ पे जितने भी मेरे सर हुए, मेरे पापा हुए, मेरे जितने भी अंकल हैं और मेरे भाई बहन लोग, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ख़ास करके स्कूल ने भी। मैं जब बचपन में था तो ऐसे तो क्या बोलते प्रोग्राम मिलता नहीं था, मैं बहुत ही ऑर्केस्ट्रा भी प्रोग्राम किया हूँ, तो चाहता था कि मुझे कोई प्रोग्राम मिले। मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ता था ताकि हमको एक परफॉर्मेंस मिल जाए, तो बहुत ही मेहनत करने के बाद फिर एक तो जो मिलता था उससे फिर मैं करते करते फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ तक रहा कि मैं मुंबई कैसे गया, तो मैं पहले ऑडिशन दिया था, तो उसमें भी क्या बोलते हैं बहुत ही कम से कम बहुत सारे बच्चे आए थे, कम से कम 1000 वहीं 20-25 कुछ थे बच्चे, उससे सेलेक्ट होकर फिर मुझे फिर बनारस बुलाया गया। बनारस जाने के बाद फिर मुंबई में जो फाइनल ऑडिशन होने वाला था, जहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, कम से कम आए होंगे वहाँ पे 100-150 बच्चे, तो उसमें से मुझे सिलेक्ट किया गया जो 24 वहाँ से सिलेक्शन होने वाला था। तो फिर वहाँ से होने के बाद फिर जो था बच्चे में मतलब 12 लड़के थे और 12 लड़कियाँ, तो उसमें 24 होने के बाद हमारा जोड़ी बनाया गया, और उसी जोड़ी को लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। और जिस तरह मतलब धोनी जी जो सपोर्ट करने आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी एक छोटे शहर रांची से है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी जितने आगे गया और ऊपर चढ़े, ताकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं भी उनके तरफ बन सकूँ। तो क्या लगता है कि झारखंड में युवाओं के विकास का कोई माहौल है या नहीं है, या यहाँ के युवाओं को खुद पहल करनी चाहिए? किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो
जो है भाईचारा ये बढ़ाए, ताकि थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, जो कंट्रीब्यूट होता है हर तरह से लोगों का साथ मिल के करने का जो एक संकल्प होता है वो बढ़े। जो झारखंड जो हमारे जानते हैं कि पिछड़ा हुआ अभी कहला रहा है, मैं चाहूँ कि डेवलप करे ये भी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, जितना भी यहाँ पे चाहिए खेत से लेकर मिनरल्स हो गया, और फिर क्या बोलते हैं स्टील, जितने भी टाटा, हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगा कि जो इससे जो हमारे जो मिल रहा है, जो हम लोग इस यहीं पे रह के ताकि डेवलप कर सके, ताकि जो दूसरे राज्य उनको दिखा सके कि हमारा भी राज्य कुछ है। अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव। दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को?